हेलो दोस्तों, एक्सप्रेसवे जॉब्स में आपका स्वागत है। आज जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है, यूपीपीसीएल जॉब भर्ती आई है, जूनियर इंजीनियर की भर्ती है और ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है। जो डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो यूपीपीसीएल में आपका वैकेंसी आई है और आपका जो वैकेंसी है वो आपका 296 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो सैलरी है आपका इनिशियल सैलरी जो है 44,900 सैलरी है। तो देखिए, अब इसकी जो है हम पूरी डिटेल जो है आपको इसकी क्वालिफिकेशन और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है हम आपको बजाते जो है यूपीपीसीएल के नोटिफिकेशन से दिखाएंगे, ठीक है। तो हम अभी आपको ले चलते हैं नोटिफिकेशन पे। देखिए, यह आपका नोटिफिकेशन खुल चुका है। ये इलेक्ट्रिकल सर्विस कमीशन आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, एडवर्टाइजिंग नंबर 03 VSA 2019 JE, ठीक है। तो ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल प्रोसेसिंग पोजेसिंग द इनिशियल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन गिवन बिलो फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द फ्लाइंग पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेन इलेक्ट्रिकल अगेंस्ट कैटेगरी वाइज वैकेंसी अंडर द उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL डिटेल बिलो। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू एनी अदर मोड इज नॉट एक्सपेक्टेड। देखिए, ये फॉर्म जो है आपका ऑनलाइन है और आपको सबसे पहले हम डिटेल ऑफ वैकेंसी दिखाएंगे। देखिए, जो हम आपको डिटेल ऑफ वैकेंसी दिखा रहे हैं तो सबसे पहला है, देखिए आपका एक पोस्ट है जो जूनियर इंजीनियर ट्रेन का नाम से है और ये जो है आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, ठीक है। और अनरिजर्व के लिए 21 सीट है। देखिए, ऑन रिजर्व के लिए आपका 21 सीट है। देखिए, और एक EWS के लिए 29 सीट है, OBC के लिए 79 सीट है, SC के लिए जो है 62 सीट है, ST के लिए 0.5, टोटल 296 सीट, ठीक है। और जो आपका जो दूसरी बार पॉइंट पर बोला है, कैंडिडेट अवेलिंग द फैसिलिटी ऑफ रिजर्वेशन अंडर एनी कैटेगरी शुड क्लियरली मेंशन द कैटेगरी एप्लीकेशन। और रिजर्वेशन अंडर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी PH का है, और PH OA OL और PB PD ओनली, DFF एंड XM शुड आल्सो क्लियरली मेंशन इन द कैटेगरी। देखिए, क्लियरली जो है रिजर्वेशन वाला पॉलिसी जो है आपका जो उसमें क्लियर मेंशन है। चलिए, पे स्केल की बात करें तो पे स्केल देखिए, आप यहाँ पर लिखा 7 पे कमीशन लगेगा, 44,900 रुपये आपको मिनिमम लेवल रिवाइज पे मैट्रिक्स मिलेगा और आपका डियरनेस एंड अदर अलाउंस आपका एज पर UPPCL रूल से मिलेगा। मतलब ये आपका मिनिमम है, आपका उसका अलाउंस मिला के समझिए कि आपका जो है सैलरी और ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन जो है आपका, कैंडिडेट शुड हैव थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी का नॉलेज होना जरूरी है। इफ़ द कैंडिडेट हैज नॉट पास हाई स्कूल इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन हिंदी, हैज़ टू क्लियर एन एग्जाम कंडक्टेड बाय द स्टार डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन गवर्नमेंट ऑफ UP विथिन 3 ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग के बाद आपको ये सब चीज़ें पास करना पड़ेगा। और जो पास है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। कैंडिडेट हैव पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवार्डेड बाई द प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, डिप्लोमा इक्विवेलेंट देयर टू बी रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट या AICTC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उपलब्ध आपका अप्रूव हो, और आप या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट का। डिप्लोमा रिसीव थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन विल नॉट बी एलिजिबल, जो डिस्टेंस से किए हैं उनको जो है एलिजिबल नहीं है। देखिए, मिनिमम एज जो है इसमें 18 साल है और मैक्सिमम जो है आपका 40 साल है। और जो आपका रिजर्वेशन मिले, जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपके 1961 के हिसाब से, जो आपका SC ST OBC को जो है 5 साल मिलेगा अगर उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है तो, और आपका जो है एक सर्विसमैन है तो उसको 5 साल मिलेगा, ठीक है, और फ्रीडम फाइटर को भी 5 साल मिलेगा। तो इस तरह जो है आपका हमने रिलैक्सेशन की बात की, और PWD है तो उसको 15 साल मिलेगा। रिजर्वेशन जो है आपको 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये है रिजर्वेशन पॉलिसी, देख लीजिए कि आपको कितना मिलेगा। 5% रिजर्वेशन जो है आपको किसको मिलेगा, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है टोटल वैकेंसी का 5%, और आपका 3% जो है वैकेंसी फिजिकली हैंडीकैप को मिलेगा, ये एक सर्विस मैन को मिलेगा 5%, और 2% वैकेंसी डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर को मिलेगा। तो ये आपका सारे जो है आपके यहाँ पे बता दिया है किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा, और रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश के होंगे, उसके अलावा जो है जो अदर स्टेट के होंगे वाइज जनरल ट्रीट किया जाएगा। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए जो है NOC सर्टिफिकेट जरूरी है ज्वाइनिंग के टाइम में। एग्जाम सेंटर एंड सिलेक्शन प्रोसीजर देख लें, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है
Like a selection procedure will be based on the written test only. Competitivity will be held in Branchi, Gorakhpur, Kanpur, Bareilly, Lucknow, Ghaziabad, Noida, Greater Noida, Meerut. ये जो है आपका जो है इतना जो सिटी में जो है आपका एग्ज़ाम होगा. इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन हाउएवर हैव द राइट टू कैंसिल एनी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट. और उसके जो है इलेक्ट्रिकल जो सर्विस कमीशन है वो कभी भी किसी भी सेंटर को कैंसिल कर सकती है किसी वजह से. ठीक है, अब इसमें कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का. शैल बी कंप्राइजेज ऑफ 200 क्वेश्चन और आर्ट ऑफ हिच 150 क्वेश्चन शैल बी फ्रॉम डिप्लोमा लेवल. ठीक है, 150 होगा आपका ब्रांच से और 50 जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो है 20 क्वेश्चन होगा जनरल नॉलेज का, अवेयरनेस का, और 20 क्वेश्चन होगा रीजनिंग का, 10 क्वेश्चन होगा जनरल हिंदी का. और इच करेक्ट जो है आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.25 है. ठीक है, और इच करेक्ट का 1 मार्क्स है. ये चीज़ जो है बहुत अच्छा है कि आपका 1/4 कट ऑफ है. ठीक है, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं. कैंडिडेट हुआ फिर 30% मार्क्स विल रिजेक्टेड फ्रॉम फर्दर कोर्स. आप देखिए 30% से जिसका भी 30% से जितना कम रहा वो जो है ऐसे भी किसी चीज़ के लिए भी कंसिडर नहीं किया जाएगा. यानी आपको 30% से ज़्यादा लाना है. अगर आप चाहते हैं कि इस जो है एग्ज़ाम में हम बने रहें तो आपको 30% से ज़्यादा लाना पड़ेगा. कैंडिडेट मस्ट बी कैरी एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो आइडेंटिटी, पासपोर्ट, और ये सब जो है आपको एज ए प्रूफ के लिए आपके पास रहना चाहिए. जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएँ तो ये आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड और आपका एडमिट कार्ड ये बहुत ज़रूरी है. ट्रेनिंग जो है आपका यूपीपीसी से डिसाइड करेगा कितने दिन का, कितने महीने का होगा ट्रेनिंग, वो यूपीपीसी से डिसाइड करेगा. ट्रांसपेरेंसी जो है कम्प्लीट ट्रांसपेरेंसी रहेगा, किसी तरह कोई धांधली नहीं होगा. और आंसर की जो है 3 डेज ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीपीसी हो जाएगा. जो एग्ज़ाम के बस 3 दिन के बाद जो है आपका आंसर की फॉर कम्प्लीट ट्रांसिविटी द इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन शैल अरेंज टू डिस्प्ले द आंसर की फॉर 3 डेज. 3 दिनों के लिए ये आंसर की जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा. द लिंक का दिया रजिस्टर ईमेल आएगा और जो इस ईमेल आईडी से आप भरेंगे उस पर आपका सेंड भी कर देगा विद इन 2 डेज ऑफ रिटर्न एग्जाम और एट एन अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम. रिटर्न एग्जाम के 2 दिन बाद या उससे भी पहले हो जाएगा तो आपको तुरंत आंसर की प्रोवाइड कर दिया जाएगा. देखिए, और आपको जो भी ऑब्जेक्शन करना है ऑनलाइन ही करना पड़ेगा. अब एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं. जो अगर डोमिसाइल हो यूपी के और SC ST उनको 700 के देना पड़ेगा. और जनरल कैटेगरी EWS OBC और इन कैंडिडेट को 1000 देना पड़ेगा. जो कैटेगरी हैंडीकैप है उनको 10 रुपये देना पड़ेगा. और कैंडिडेट अदर देन ऑफ यूपी, अगर कोई अदर देन है यूपी के चाहे किसी भी कैटेगरी का हो उसको 1000 रुपया देना है. तो इस बात का आपको ध्यान रखें. उसके बाद से आपका कैरेक्टर, मार्शल स्टेटस. आप टू अप्लाई के लिए आपको UPPCL.org पर जाना है. इसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे वहाँ से आप डायरेक्ट अपना फॉर्म आप डाउनलोड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट है. आज 23 सितंबर है, 16 अक्टूबर तक लास्ट डेट है. उससे पहले आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा. पेमेंट जो है आपका ऑनलाइन है. ठीक है, तो पेमेंट आप कर लीजिएगा SBI के चलान से. और जो एग्ज़ाम होगा उसका 4th week of November यानी नवंबर के लास्ट में होगा या हो सकता है दिसंबर के पहले वीक में ही हो जाए. तो ये आपका पूरा क्लियर है कि एग्ज़ाम कब होगा. मान के चलिए कि दिसंबर के 1st week में तो होना ही होना है 100%. और ये देखिए उसका नंबर है 1763. ये आपका एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिफिकेशन नंबर है और ये 6 सितंबर 2019 को ये सब फाइनल हुआ था. और ये नॉर्मलाइजेशन मेथड है. तो आपको मैंने ये चैनल जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइए. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत